हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मेरा नाम अरबाद शाह है और आप देख रहे हैं अरबाद शाह फिटनेस चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को ऐसी चेस्ट की वर्कआउट बताने वाला हूं जिसको कर आप अपने घर पर ही अपनी चेस्ट को बना सकते हैं, यानी चौड़ी कर सकते हैं। दोस्तों, आप निराश हो जाते हैं, आपके घर से बहुत दूर है जिम और आप निराश हो जाते हैं हम कैसे अपनी चेस्ट को बड़ी करें, यानी चौड़ाएं अपनी चेस्ट को। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को जो बेसिक एक्सरसाइज बताने वाला हूं, चलिए वीडियो को शुरू करता हूं। तो दोस्तों, मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिन्होंने कर रखा है उन्हें दिल से शुक्रिया। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर और कमेंट कर देना। दोस्तों, पहली जो एक्सरसाइज होगी हमारी वो होगी वार्म अप के लिए। तो वार्म अप हम किस तरह से करेंगे, नॉर्मल पुशअप लगाएंगे इसमें। दोस्तों, ये हमें दो ईंटें चाहिए अपनी वर्कआउट करने के लिए। दोस्तों, हम पहले वार्म अप कर लेते हैं। इस तरीके से हमें 10 पुशअप लगानी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दोस्तों, ये जो हमारा वार्म अप सेट था, इसमें हमने 10 पुशअप लगाई। अब हम जो सेट लगाएंगे वो लगाएंगे अपने सेट के लिए। दोस्तों, ये हम एक चेस्ट को ट्रेंड करेंगे ताकि हमारी चेस्ट को लोड पड़े ज़्यादा, इसलिए जल्दी इंक्रीज हो। दोस्तों, हमें चाहिए इसमें एक ईंट, इसमें हमें खड़ी करनी है इसको, और एक हाथ रख लेना यहाँ, और एक हाथ जो रखना है हमें नीचे रखना है, और ये हाथ जो रहेगा हमारा शोल्डर से थोड़ा सा बाहर को रहेगा, यानी वाइड रहेगा। और आपको ये इस तरीके से लगानी है, स्लो जाना है नीचे इस तरीके से, ऐसा आप इस तरीके से आपको रेपिटेशन लेने हैं 15-16 और 3 से 4 सेट लगाने। दोस्तों, अब जो हमारी दूसरी वर्कआउट होगी, पहले आप समझ लें इसको, जैसे हमने इस हाथ पे परफॉर्म किया 15 रेपिटेशन लिए, ऐसे ही इस हाथ पे हमें 15 रेपिटेशन लेने हैं, दोनों पे बराबर लेने, ऐसा ना करें इस पे ज़्यादा ले लिए, इस पे कम ले लिए। दूसरी वर्कआउट हमारी ये है, हमें ईंट लेनी है अली और ऐसे रख देनी है थोड़ी शोल्डरों से बाहर। अब हमें हाथ पीछे रखना अपना और चेस्ट को हमें फील करना, अपने मसल पे ध्यान देना है इस तरीके से, और हमारा जो वेट है थोड़ा सा आगे की तरफ को होना चाहिए, यूं ना हो आगे की तरफ, और चेस्ट पे स्क्यूज करना हमें मसल पे ध्यान रखते हुए इस तरीके से, चेस्ट पे स्क्यूज करना इस तरीके से खींच के यूं, और 15 से 16 रेपिटेशन लें इसके भी इस तरीके से, सिलो स्क्यूज, सिलो स्क्यूज इस तरीके से 15-16 रेपिटेशन लें और 3 से 4 सेट लगाएं। दोस्तों, अब तीसरी जो वर्कआउट है हमारी कुछ इस तरह से है, दोनों ईंट हमें हाथ में लेनी है और यूं करके हमें ऐसा लगानी है इसको, ऐसा हाथ को थोड़े से वाइड रखने हैं, यहाँ नहीं रखने, ना ज़्यादा बाहर इस तरीके से, और इस तरीके से लाना है, इस तरीके से परफॉर्म करना है इसको, ऐसे भी ले सकते हैं इसको यूं, और इस तरीके से भी ले सकते हो यूं, और 15 से 16 रेपिटेशन इस तरीके से लगाएं, ज़्यादा रिजल्ट आएंगे इस तरीके से, इस तरीके से लगाएं 3 से 4 सेट और 15 से 16 रेपिटेशन। तो दोस्तों, अब जो चौथी वर्कआउट है हमारी वो इस तरीके से है, हमें ईंट रख लेती हैं यहाँ इसके ऊपर, दो ईंटें हमने एक के ऊपर एक रख दी हैं। अब यहाँ हमें हाथ रखना है और चेस्ट पे ही हमें फोकस करना है पूरा इस तरीके से, इससे ट्राइसेप पे भी लोड पड़ जाता है, लेकिन हमें चेस्ट पे मसल पे ध्यान रखना है, थोड़ी थोड़ी इंक्रीज होती रहे, ट्राइसेप्स कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से चेस्ट को फील करनी है और इस क्यूज करना ऊपर की तरफ को इस तरीके से, चेस्ट पे लोड पड़ना चाहिए, और सिलो जाए नीचे को इस तरीके से, इसके भी 15 से 16 रेपिटेशन लें और 3 से 4 सेट। तो दोस्तों, ये थी जो आप घर में कर अपनी चेस्ट को बड़ी कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखना।